कंजूस महाजन मोतीराम महाजन अव्वल नंबर का कंजूस था। एक दिन शाम को जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते भर यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खर्च करते हैं। यदि वह अधिक समय घर से बाहर रहेगा तो लोग उसको कंगाल बनाकर ही छोड़ेंगे। श्रीमती जी दिन भर खरीदारी करती रहती हैं और बच्चे भी दिन भर कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। यह स्थिति तो तब है जब कड़ी निगरानी रखी जाती है। तभी रास्ते में एक भिखारी मिला। भूखे को कुछ मिलेगा माई बाप? चल भाग यहाँ से, फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास। इतना कहकर वह तेजी से घर की ओर चल दिया। रास्ते में हलवाई की दुकान पर गर्म गर्म जलेबियां उतर रही थी। उन्हें देखकर मोतीराम के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं जलेबियां खरीदूंगा तो वहां खड़े परिचितों को भी देनी पड़ेंगी। अगर नौकर से मंगवाता हूँ तो पत्नी और बच्चों को भी देनी पड़ेंगी, क्यों ना बाहर ही खा लूं। घर पहुंचकर उसने अपने नौकर को बुलाया। रामू, हलवाई की दुकान से जलेबियां ले आ, मगर सुन, यहां मत लाना, झील किनारे झाड़ी के पास ले आना, मैं वहीं तेरा इंतजार करूंगा। मोतीराम जब जलेबी खाने की योजना बना रहा था तभी उसका एक हमशक्ल उस नगर के राजा के पास पहुंच गया। कैसे आना हुआ मोतीराम जी? राजा ने पूछा। महाराज, मैं कुछ धन दान स्वरूप देना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने विनम्र स्वर में कहा। क्या? राजा हैरत में डूब गया। तुम धन का दान करोगे? जी महाराज, क्योंकि जमाखोरों का धन किसी काम तो आता नहीं। मोतीराम के हमशक्ल ने कहा। जरूर करो दान, राजा ने कहा। नगर का महाकंजूस धन दान करेगा? वाह, कैसा चमत्कार है, मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह आदमी मोतीराम के घर गया। वहां उसे उसका नौकर मिला। उसने उससे कहा, एक बहुरूपिया मेरा रूप धारण करके घूम रहा है, अगर यहाँ आए तो पीट पीट कर भगा देना। जी मालिक, नौकर ने सिर झुकाते हुए कहा। फिर वह आदमी भीतर कमरे में पहुंचा। मोतीराम महाजन की पत्नी होकर तुम इस फटीचर स्थिति में हो, जाओ अभी बाजार जाओ और जो मन करे खरीदारी करो, और बच्चों के लिए भी कुछ लेती आना, उस आदमी ने कहा। ये तुम क्या कह रही हो? मोतीराम महाजन की पत्नी अविश्वसनीय स्वर में बोली। आज मैं बहुत खुश हूँ, रास्ते में जो भी मिले कह देना, मैं अपना आधा धन गरीबों और ज़रूरतमंदों को देना चाहता हूँ। मोतीराम का हमशक्ल मुस्कुराते हुए बोला। लगता है आज इनका दिमाग फिर गया है, इससे पहले कि ये अपनी सोच बदलें मुझे बाजार चले जाना चाहिए। इतना सोचकर मोतीराम की पत्नी बाजार चली गई। थोड़ी ही देर में मोतीराम के घर लोग आना शुरू हो गए। जिसको जो जी में आए उठाकर ले जाए, हमशक्ल बोला। जो हम चाहें? एक वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, यहाँ जितना भी माल है वह सब तुम्हारा ही है, यह किसी भी क्षण अपना इरादा बदल सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके माल यहाँ से लेकर चंपत हो जाते हैं। सभी ने ऐसा ही विचार किया था। एक आदमी ने घर में घुसने के बजाय बैलगाड़ी खोल दी और गोदाम में से कीमती चीजें लादकर 9-2-11 हो गया। वह मोतीराम का गुणगान करते हुए अपने घर की ओर चल दिया। भगवान करे मोतीराम को हमारी भी उम्र लग जाए, उससे बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा भला आदमी नहीं है। उधर मोतीराम झाड़ियों में छिपा हुआ गरम गरम जलेबियों के चटखारे ले रहा था, तभी उसके कान में आवाज पड़ी। मोतीराम हजार बरस जिए, कोई मेरा गुणगान गा रहा है, कौन हो सकता है यह? तभी उसके कानों में फिर आवाज पड़ी, मोतीराम महान है। मोतीराम गाड़ी वाले के सामने पहुंचकर बोला, तुम्हें सच्चे आदमी की पहचान है। जब उसकी निगाह अपनी गाड़ी और बैलों पर पड़ी तो उसका भीजा फिर गया। ये माल तो मेरा है, वह चिल्लाया। ठहर जा चोर कहीं का, मेरा माल चोरी करके कहाँ जा रहा है? गाड़ी वाले ने एक चाबुक मोतीराम को दे मारा। वह उलटकर पीछे जा गिरा। मुझे यह सारा सामान दयालु मोतीराम ने खुद दिया है, गाड़ीवान ने कहा। ये झूठ है, मोतीराम तो मैं हूँ। तो तुम तो कोई बहुरूपिये लगते हो, इतना कहकर गाड़ीवान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मोतीराम काफी दूर तक उसके पीछे भागा, लेकिन वह गाड़ी को पकड़ नहीं सका। फिर वह तुरंत घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसकी निगाह वहां से सामान ले जाते लोगों पर पड़ी। उसने अपने नौकरों को बुलाया और जोर से चिल्लाया, उन्हें रोको, वे मेरा सारा माल लूट कर ले जा रहे हैं।
जरूर यह वही ठग हैं जिसके बारे में मालिक ने हमें सचेत रहने को कहा था। यह सोचकर नौकरों ने मोतीराम की जमकर ठुकाई कर दी। देख लूंगा सबको, मैं अभी राजा के पास जाता हूँ। किसी तरह जान बचाकर मोतीराम राजा के महल में पहुंचा और बोला, महाराज मैं लूट रहा हूँ, लोग मेरा माल लूट रहे हैं। लेकिन मोतीराम, तुम खुद ही मेरी अनुमति लेने आए थे कि मैं अपना धन दान करना चाहता हूँ। राजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, महाराज क्या आपने मुझे कभी दान करते हुए देखा है? जरूर कोई ठग मेरा रूप धारण करके यहाँ आया होगा, मोतीराम ने रोते हुए कहा। राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि मोतीराम के हम शक्ल को पकड़कर तुरंत यहाँ पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद राज दरबार में मोतीराम के हम शक्ल को पकड़कर लाया गया। सभी दरबारी आश्चर्य में डूब गए क्योंकि दोनों की शक्ल और कद काठी एक जैसी थी। तुम में से असली कौन है? राजा ने पूछा। मेरी पत्नी मुझे पहचान लेगी महाराज, मोतीराम ने कहा। किंतु जब मोतीराम की पत्नी से पहचान कराई गई तो वह भी धोखा खा गई। उसने हमशक्ल को ही अपना पति बताया। दुष्ट, मैंने तेरे लिए इतना किया फिर भी? अब क्या करूं, कौन है जो मेरी शिनाखत करेगा? फिर अचानक उसे कालू नाई का ध्यान आया। महाराज कालू नाई मुझे जरूर पहचान लेगा। राजा के आदेश पर नाई को दरबार में लाया गया। मुझे इनके सिर टटोलने पड़ेंगे महाराज, झुकते हुए नाई ने राजा से कहा। राजा ने आज्ञा दे दी। फिर नाई ने दोनों के सिर टटोले, वह भी असमंजस में पड़ गया। फिर उसने कहा, मैं मोतीराम को नहीं पहचान सकता महाराज। क्या मतलब? मोतीराम बौखला गया, मेरे सिर पर एक मस्सा है, क्या तुम भूल गए? तुम्हारे सिर पर तो मस्सा है ही, लेकिन इसके सिर पर भी वैसा ही मस्सा है, कालू नाई ने कहा। मोतीराम पगला सा गया। वह सोचने लगा, मेरी पत्नी ने भी इस बहुरूपी को अपना पति समझा, अब तो मैं बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया जाएगा, मेरी पाई पाई छीन ली जाएगी। सोचते सोचते वह बेहोश हो गया। पानी डालकर मोतीराम को होश में लाया गया। वह होश में तो आ गया किंतु उसका दिमाग खराब हो गया। बस अब मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा मेरे लाल, मैं तेरा पिता हूँ, स्वर्ग से सीधा यहाँ आया हूँ, आखिरकार उसके हमशक्ल ने कहा। पिताजी, मोतीराम के मुंह से अस्फुट सा स्वर निकला, तुम्हारे पास जो धन है वह तो सब मेरा है। मैंने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की थी, लेकिन तूने मेरा सारा धन तिजोरी के हवाले किया हुआ है। एक बार तो तुझे माफ कर रहा हूँ, अगर तूने फिर ऐसी कंजूसी की तो अपना सारा धन ले लूंगा। अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए पिताजी, मोतीराम ने अपने पिता के चरण छूते हुए कहा। फिर मोतीराम के पिता उसे आशीर्वाद देकर स्वर्ग के लिए कूच कर गए। उधर मोतीराम भी जब अपने घर लौटा, अब वह बहुत बदल चुका था, वह एक दयालु और उदार व्यक्ति बन चुका था। शिक्षा, कहावत है, सूम का धन शैतान खावे। धनी होना कोई गलत नहीं, लेकिन कंजूस होना बिल्कुल भी ठीक नहीं। धन का सदुपयोग इसी में है कि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। वह धन किस काम का जो किसी के भी काम ना आ सके।